है रिलेटेड टू गॉड, ठीक है। लिंचो वाला ही लेसन चल रहा है आपका, लेकिन पार्ट नंबर आज डी आया है, ठीक है। और पार्ट नंबर डी में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड लिंचो राइट, ठीक है, इसका अर्थ भी बता देंगे। व्हाट डिड लिंचो, व्हाट डिड लिंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर, इन हिज सेकेंड लेटर, इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, ठीक है, टू गॉड। कहने मतलब जे है, बोला है व्हाट मतलब क्या, डिड लिंचो, लिंचो ने राइट मतलब लिखा था, इन हिज सेकेंड लेटर मतलब अपने दूसरे लेटर में, टू गॉड जो ईश्वर के लिए, लिंचो ने अपने दूसरे पत्र में या दूसरे लेटर में ईश्वर के लिए क्या लिखा था, क्या ऐसी बातें लिखी थी, हमें वही बताना है इसमें बस, ठीक है। अच्छा, इसी को मॉडिफाइड करके कैसे पूछेगा या इसी को परीक्षा में बदल के कैसे पूछेगा, तो वो ध्यान से सुनिए, लिखेंगे नहीं सुन लीजिए। बोला है व्हाई डिड लिंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल, ठीक है, लिंचो मेल द्वारा पैसा क्यों नहीं भेजना चाहता था, मेल द्वारा पैसा क्यों नहीं भेजना चाहता था, क्या कर, क्या कारण था, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताइए क्या कारण रहा है, ठीक है। तो बात तो यही है, इसीलिए हम इसमें लिखेंगे क्या उसने मतलब लिंचो ने मतलब दूसरे पत्र में लिखा था, क्या जवाब लिखा था ईश्वर के रिप्लाई में, मतलब जो उसको पैसे कम प्राप्त हुए थे, भाई मांगे कितने थे 100 पैसे, मिले कितने थे 70, ठीक है। तो उसी के रिप्लाई में उसने कुछ भेजा था, उसका कुछ रीजन भी रहा है, क्या उसको असुविधाएं उसमें मिली, ठीक है, किस पे डाउट रहा, वो भी सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये इसने बोला है, अब देखिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। लिंचो रोड टू गॉड, लिंचो, लिंचो रोड टू गॉड, लिंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम टू, टू सेंड, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, the rest of money, वैसे rest माने जो होता है आराम करना, लेकिन यहाँ पे rest माने है बकाया, ठीक है, बकाया राशि, बकाया पैसा, ठीक है। rest of money as he needed it, as he needed it, but he requested God, ये देखिए requested के बाद में टू नहीं आता है, नहीं लगेगा, requested God not to send the money this time through mail, because the post office employees were dishonest। देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमें हर लेसन की समरी याद होनी चाहिए, हमें हर लेसन की
कहानी याद होनी चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे मिलते हैं, हर लेसन में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं जो रिपीट होते हैं सेंटेंस, वही कहानी बार 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 वही उसमें दोहराई जा रही है। तो हमें क्या करना है, समेरी अच्छे से याद कर लेनी है। बाकी ये तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, मतलब आपको ग्रामर सही है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद भी रहेगी, तो ये बहुत बेटर रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट डिड लेंसो राइट इन हिज सेकेंड लेटर, मतलब अपने दूसरे पत्र में, ठीक है, जो भी रिप्लाई दिया था, ठीक है, उस पत्र में ईश्वर के लिए उसने ऐसी क्या बातें लिखी थी, ये इसने पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग बता देते हैं, फिर आपको ट्रांसलेट करते हैं, तो इससे आपको भी ट्रांसलेशन में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए, रोट मीन सभी जानते हैं लिखा, ठीक है, रेस्ट माने होता है बकाया हुआ, ठीक है, या शेष, वैसे रेस्ट माने आराम करना होता है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट का जो मीन निकल रहा है वो है शेष या बचा हुआ, ठीक, बकाया। मनी माने सभी जानते हैं धन पैसा, ठीक है, नीड माने होता है आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता और कुछ है, ठीक है, इंप्लॉय माने सभी जानते हैं कर्मचारी, डिसऑनेस्ट बेमान, ठीक है। अब देखिए, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने रोट मतलब लिखा, टू गॉड मतलब किसको, ईश्वर को लिखा, क्या लिखा ईश्वर के लिए, कहा लिखा, टू सेंड भेजने के लिए कहा, क्या भेजने के लिए कहा, ही मतलब उसे, मतलब अपने आप को, कि मतलब उसको भेज दीजिए, क्या भेजने के लिए कहा, क्या भेजे मतलब ईश्वर क्या भेजेंगे उसके लिए, द रेस्ट ऑफ मनी, बकाया हुआ पैसा, जो बकाया हुआ पैसा है, जो सेफ पैसा है, जो आपने नहीं भेजा है, 100 मांगे थे आपने 70 भेजे, 30 बचे हुए हैं, वही 30 बकाया हुआ धनराशि, वही भेजने के लिए उसने पत्र में लिखा, ठीक है। एज ही नीडेड इट, जिसको उसकी आवश्यकता थी, मतलब उन्हीं और पैसों की आवश्यकता थी, जो 30 नहीं मिले थे उनकी भी उसको आवश्यकता थी, क्योंकि भाई उसको 100 जरूरत है, ठीक है, तो उतने ही उसने मांगे, लेकिन मिले कितने, 70 मिले, तो जितनी उसको आवश्यकता थी, ठीक है, वही उसने उसकी मांग की, मतलब बकाया हुआ, रेस्ट ऑफ मनी मतलब बकाया धनराशि, रेस्ट ऑफ मनी मतलब बकाया धनराशि, ठीक है। बट लेकिन एक बात और उसने लिखी, बट लेकिन ही रिक्वेस्टेड, उसने एक निवेदन भी किया, क्या निवेदन किया, क्या प्रार्थना की, गॉड ईश्वर से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, नॉट टू सेंड भेजने का नहीं है, अरे क्या नहीं भेजने का, द मनी पैसा नहीं भेजना है, अरे ये कौन सी बात थी, आगे पढ़ो, अच्छा आगे पढ़ो, दिस टाइम इस बार आपको जो मनी है पैसा है नहीं भेजना है, थ्राउ मेल, मेल के द्वारा आपको नहीं भेजना है, ठीक है, थ्राउ मेल, मेल के द्वारा आपको नहीं भेजना, मतलब डाक के द्वारा आपको नहीं भेजना है, ठीक है, मेल के द्वारा आपको इस बार पैसा नहीं भेजना है, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाक घर के कर्मचारी हैं, वेयर क्या है, बेईमान है, क्या है, बेईमान है, या फिर ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो फिर से देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं सेंटेंस, फिर इस क्वेश्चन को, आंसर को, लेंचो ने रोट मतलब लिखा, टू गॉड मतलब ईश्वर को लिखा, क्या है के लिए लिखा, टू सेंड हिम उसको भेज दें, क्या भेज दें, द रेस्ट ऑफ मनी बकाया हुआ धनराशि उसको भेज दें, जो बचा हुआ पैसा, जो 30 पैसे नहीं दिए वो भेज दें, ठीक, ये कहा, एज ही नीडेड इट, जिसको उसकी बहुत जरूरत है, जिसको उसकी बहुत जरूरत है, बट लेकिन एक बात और लिखी, क्या लिखी, ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने ईश्वर से निवेदन भी किया, क्या निवेदन किया, नॉट टू सेंड द मनी, पैसा नहीं भेजना है, मनी नहीं भेजना है, धन नहीं भेजना है, दिस टाइम इस बार, थ्राउ मेल, मेल के द्वारा आपको पैसा इस बार नहीं भेजना है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेरी डिसऑनेस्ट, बेईमान है, कौन बेईमान है, एम्प्लॉयज कर्मचारी बेईमान है, क्यों, उसका सब पैसा चुरा लेते हैं, ठीक, स्टोलन कर लेते हैं, तो इसीलिए ये सब लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, डबल डबल रिपीट किया है, कभी कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर डी का, ठीक है, देखिए ज्यादा इसलिए क्वेश्चन नहीं रखते हैं पार्ट में, जो भी पार्ट आपका डी या सी जो भी रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, एक दिन में जितना आप उस हिसाब से पढ़ लें, जो आपको याद रहे, जो आपको तैयार हो जाए, बेटर रहेगा, और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे
थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपके एग्जाम की तैयारी बहुत बेटर होगी। वरना एकदम से देखा है, एकदम से जो तैयार करने जाता है तो वो तो फिर कुछ नहीं तैयार हो पाता, बस पास होने की उम्मीद होती है कि पास हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको पहले से, ठीक है, युद्ध पे उतरना पड़ेगा, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड लेंस डिस्क्राइब व्हाई डिड लेंचो, अब इस क्वेश्चन में लेंचो की गुस्सा देखिए, लेंचो बहुत नाराज है। किस पे नाराज है? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाक घर के कर्मचारी हैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। इतना उसको डाउट है उनपे कि मतलब उन्होंने पैसे चुरा लिए, हालांकि वो बेचारे ऐसे नहीं है, उन्हीं ने तो उसकी मदद की, पॉकेट मनी निकाल के पैसे दिए, लेकिन उल्टा मतलब उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, वैसा हाल हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको गुस्सा देखने को मिलेगी कि लेंचो कितना गुस्सा हुआ उनपे। लेंचो डिस्क्राइब द लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज The post office employees, the post office employees as a bunch of crooks, as a, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था पिछले साल, ध्यान रखना, शायद 2023 में आया था, ठीक है, या 24 में भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये पूछा गया, इतना मैं जानता हूं, ठीक है। ए बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो, लेंचो ने क्यों, डिस्क्राइब मतलब बताया, वर्णन किया या व्याख्या की, उसने अपने शब्दों में बताया, वर्णन किया, किसके बारे में वर्णन किया, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, डाक घर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ कहा, क्या कहा, ये होते हैं बिल्कुल एज ए बंच ऑफ क्रुक्स, बिल्कुल बदमाशों का झुंड है, मतलब पोस्ट ऑफिस में बदमाशों का झुंड भरा पड़ा है, मतलब बेईमान है सब, बेईमानों का झुंड, बदमाशों का झुंड, वे लोग जो दूसरे का हक ले लेते हैं, ठीक, ऐसा इसने कहा लेंचो ने। फिलहाल ये बेचारे तो बहुत अच्छे थे जो पॉकेट मनी अपनी मतलब जो है कलेक्ट करके इसको भेजी, लेकिन क्या करे, फेथ इन गॉड है ना इसको। When Lencho opened the envelope, ठीक है, ई बनेगी यहां पे, एनविलोप मतलब लिफाफा, ठीक है, जो भी होता है लिफाफा, he found only 70 pesos. He found only 70 pesos instead of 100, ठीक है, instead of 100, he doubted on the पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज फुल स्टॉप, दे हैड स्टोलन 30 पैसेस, ठीक है, 30 पैसेस, so he called, ठीक है, so he called them a bunch of crooks, but they really were not a bunch of crooks,
ये बंच ऑफ ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। क्वेश्चन ये बोला था कि व्हाई डिड लेंचो, कि लेंचो ने क्यों डिस्क्राइब वर्णन किया द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनके बारे में ऐसा उसने क्यों वर्णन किया कि जैसे कि एज ए बंच ऑफ क्रुक्स, कि वो बदमाशों का झुंड है, मतलब जो भी ऑफ पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं वो एक बदमाशों के झुंड के समान है, बेईमान है जो दूसरे का हक छीन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला, थोड़ा पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक है। व्हेन, जब लेंचो लेंचो ओपेंड, खोला, क्या खोला, द एनवेलोप मतलब लिफाफा खोला, क्या खोला, लिफाफा खोला, ही फाउंड उसने पाए, क्या पाए, ओनली 70 पेसेस, कितने पेसेस पाए, 70 पेसेस पाए, इनस्टेड ऑफ 100, किसकी बजाय, 100 की बजाय कितने मिले, 70 मिले, मांगे कितने थे 100, तो 100 की बजाय कितने मिले, 70। इनस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इनस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। ही डाउटेड, उसने संदेह किया, शक किया, डाउट किया, शक किया, उसको शक किस पर गया, ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन पर उसने शक किया, डाउट किया, दे हैड स्टोलन 30 पैसेस, कि उन लोगों ने कितने पैसे चुरा लिए उसके, 30 पैसेस उसने चुरा लिए, कितने चुरा लिए हैं, 30 पैसेस उसके चुरा लिए, ये उसने डाउट किया। सो इसलिए, इसीलिए उसे लगा कि 30 पैसे चुरा लिए हैं, इसीलिए ही उसने कॉल्ड देम, इसीलिए उसने उन लोगों को ऐसा बोल दिया कि ये बंच ऑफ क्रुक्स, बदमाशों का झुंड है, ठीक है। बंच माने, ठीक है, झुंड होता है या गुच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे गुच्छा नहीं हो सकता, झुंड होगा, ठीक है। क्रुक्स माने बेईमान या बदमाश, ठीक है, या बेईमान भी कह सकते हैं, ठीक है, बेईमानों का झुंड या बदमाशों का झुंड बोल दिया इसीलिए उसने, ठीक है। बट लेकिन दे रियली वेयर नॉट, लेकिन वास्तव में वे ऐसे नहीं थे, बट दे रियली वेयर नॉट, वास्तव में वो ऐसे नहीं थे जो उसने बोल दिया, क्या बोल दिया, ये बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, ये बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। फिर से देखिए पूरा एक बार फिर से बताएं, व्हेन लेंचो ओपेंड द एनवेलोप, जब लेंचो ने लिफाफा खोला, ही फाउंड ओनली 70 पैसेस, कितने मिले, 70 पैसेस, इंस्टेड ऑफ 100, 100 की बजाय कितने मिले, 70 मिले, ही डाउटेड ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी पर उसने क्या किया, डाउट किया, शक किया, क्या शक किया, कि दे हैड स्टोलन 30 पैसेस, कि बाकी जो बचे हुए रेस्ट ऑफ जो मनी है, बकाया धनराशि, यानी कि 30 पैसे हैं, वो किसने चुरा लिए हैं, दे हैड मतलब उन लोगों ने चुरा लिए हैं। सो इसीलिए ऐसा ही समझकर सो ही उसने कॉल्ड देम, इसीलिए उनको ऐसा उसने बोल दिया, क्या बोल दिया, ये बंच ऑफ क्रुक्स, उसको उन लोगों को बोल दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए, बट लेकिन दे रियली वेयर नॉट, लेकिन वो ऐसे थे नहीं, आपको पता है ये वही लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने पॉकेट मनी निकाल कर जो है कलेक्ट करके इसकी मदद के लिए रिप्लाई में लेटर भेजा था। तो उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर डी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बताना कमेंट में, धन्यवाद।